भाई आखिर जॉम्बी समुराई का इवेंट कब आएगा? क्या ये वाला इवेंट कैंसिल हो गया है? भाई ऐसे बहुत सारे कमेंट देखने को मिल रहे हैं, तो आज के वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि आखिर इवेंट आएगा या कैंसिल हो गया है। इसी के साथ में ये आप लोग को अपकमिंग और भी ढेर सारे अपडेट्स एंड इवेंट के बारे में पता चलेगा। सो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल पे नया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को एडवांस सर्वर का अपडेट दे देता हूँ। यहाँ पे 14 अगस्त को आप लोग को रजिस्ट्रेशन देखने को मिल जाएगा एंड 17 अगस्त से यहाँ पे हमारा एडवांस सर्वर ओपन हो जाएगा और 31 अगस्त मतलब 31 अगस्त को यहाँ पे एडवांस सर्वर क्लोज हो जाएगा। फिर 4 सितंबर को अपडेट आने वाला है, तो यहाँ पे एडवांस सर्वर में रजिस्ट्रेशन करने के लिए तैयार रहना। एंड गाइस बस और 10 दिन टाइम बाकी है, उसके बाद यहाँ पे एडवांस सर्वर आ जाएगा। फिर गाइस आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेना और आप लोग को कुछ न्यू अपडेट देखने को मिलेगा। और इस बार के अपडेट में गाइस आप लोग को थंडरबोल्ट मतलब इलेक्ट्रिक थीम पे आइटम वगैरह यहाँ पे डिजाइन देखने को मिल जाएगा। ऑलरेडी 2 आइटम तो यहाँ पे डिजाइन किया गया, जैसे की एसकेएस का एक स्किन देख पा रहे हो जो देखने में कुछ के बस इसका एट्रोस अभी ऐड होना बाकी है। और ये वाला स्किन देखने में तो बहुत ही कमाल का लग रहा है, साथ में एक इमोट भी देख पा रहे हो जिसके में थंडरबोल्ट जहाँ पे भाई कुछ स्टेप का एनिमेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फिलहाल ये दोनों आइटम अभी डिजाइन किया गया है, लेकिन एडवांस सर्वर आने के बाद और भी कुछ न्यू आइटम देखने को मिलेगा। और उस अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आज के वीडियो को जरूर लाइक कर देना, क्योंकि एडवांस सर्वर कुछ ही दिनों में आ जाएगा, फिर मैं आप लोग को बाकी का न्यूज दे दूंगा। और चलिए बढ़ते हुए हमारे अगले और एक अपडेट की तरफ। तो यहाँ पे आज के दिन आप लोग एक नया सा रिंग इवेंट देखने को मिला जिसका में सर्पेंट रिंग इवेंट, लेकिन इस रिंग इवेंट के बाद कौन सा रिंग इवेंट आएगा चलिए मैं आप लोग को उसका अपडेट दे देता हूँ। सो गाइस आप लोग यहाँ पे जो रिंग इवेंट देख पा रहे हो नेक्स्ट टाइम शायद इसको ही लॉन्च किया जाएगा, जो होगा फॉक्स लाइट थीम पे स्पेशल। और यहाँ पे इस इवेंट के अंदर जो बंडल देख पा रहे होने वाला ग्रैंड प्राइस जो देखने में कुछ इस टाइप का होगा, फॉक्स थीम पे बेसिस करके इसको बनाया गया, देखने में तो थोड़ा अच्छा खासा ही लग रहा है। और इस बंडल को भाई आप लोग 200 टोकन से भी एक्सचेंज कर पाओगे, तो बहुत ही अच्छा खासा बंडल है। तो यहाँ पे इस मेल बंडल की तरह और एक बंडल को डिजाइन किया गया जो है फीमेल का बंडल, जो आप लोग देख पा रहे हो इसमें एनिमेशन भी एंड लुक भी बहुत ही बढ़िया है। एंड इस पैनल के जो लेग मतलब पैर है इसमें आप लोग को एनिमेशन देखने को मिलेगा, जब भी आप लोग किसी को किल करोगे तभी जाके यहाँ पे फॉक्स आएगा, साथ में आप लोग को यहाँ पे ग्लू वॉल भी मिलेगा जो देखने में कुछ इस टाइप का होगा। और इन सब आइटम के साथ आप लोग एक इमोट भी मिलेगा जो देखने में कुछ इस टाइप का होगा, एक फॉक्स को बहुत ही जोर से खींचता है। एंड आप लोग को यहाँ पे यूनिवर्सल टोकन का एक्सचेंज देखने को मिलेगा और इस इमोट को भी आप लोग 175 टोकन से भी एक्सचेंज कर सकते हो। सो गाइस अगर आप लोग इन सारे आइटम को निकालना चाहते हो तो डायमंड वगैरह तैयार रखना, इसी महीने को इवेंट आने वाला है और पॉसिबल है कि नेक्स्ट रिंग इवेंट ही हो सकता है। वैसे गाइस आपके पास टोटल कितने सारे अभी यूनिवर्सल रिंग टोकन है वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और क्या आप लोगों ने इस सर्पेंट रिंग इवेंट के अंदर आप लोगों ने स्पिन किया है? मेरे ख्याल से यहाँ पे निकलने जैसा तो कुछ है नहीं, सभी बंडल एकदम से छपरी की तरह है। तो आपका टोकन एंड डायमंड वेस्ट मत करना इन सारे फालतू आइटम को निकालने के लिए, तो भाई अपना डायमंड और टोकन अच्छे काम के लिए यूज करना। तो चलिए अभी बढ़ते हैं हमारे अगले और एक अपडेट की तरफ। और ये अपडेट होने वाले गाइस गन स्किन के इवेंट को लेकर जो होगा पोकर MP40 के इवेंट। तो यहाँ पे आप लोग का कमेंट आता है कि पोकर MP40 कब तक रिटर्न आने वाला है, क्योंकि बहुत लोगों को ये सारे स्किन अभी भी निकालना है। तो देखो भाई ये सारे जो स्किन वगैरह अभी रिटर्न नहीं आने वाले, आप लोगों को दिवाली या हेलोवीन के टाइम रिटर्न देखने को मिलेगा। मतलब सिंपल से बात है गाइस आप लोगों को पोकर MP40 के रिगार्डिंग ऐसा एक रिंग इवेंट भाई आप लोगों को अक्टूबर महीने को देखने को मिलेगा, मतलब अक्टूबर महीने को ये वाला रिंग इवेंट आ जाएगा। तो तब तक के लिए आप लोग यहाँ पे डायमंड वगैरह कलेक्ट कर लो, क्योंकि जब इवेंट आएगा तब आप लोग इजीली स्पिन करके इन सारे स्किन को निकाल सकते हो। एंड इसके बाद भाई हमारे एक भाई ने कमेंट किया कि समर इवेंट कब स्टार्ट होगा, तो चलो भाई को इसकी रेटिंग एक अपडेट दे देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग एक नया सा बैनर देख पा रहे हो जिसका नाम है स्प्लस द बीट, ऐसा कुछ नाम दिया गया, मतलब आलोक की स्पेशल एक नया सा फेडरल इवेंट आने वाला है। और ये फेडरल देखने में कुछ इस टाइप का होगा, तो यहाँ पे आप लोग को आलोक के एबिलिटी की स्किल स्किन मिलेगा, जो स्किन देखने में कुछ इस टाइप का होगा, जब भी यूज करेंगे तो कुछ पानी टाइप का वेब देखने को मिलेगा और ओरिजिनल वाला देखने में कुछ इस टाइप का है। और जो इवेंट है आप लोगों को 9 अगस्त को इंडिया बांग्लादेश सिंगापुर सर्वर के लिए देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे 9 अगस्त को आने वाला है। साथ में आप लोग यहाँ पे आलोक का ये बंडल भी आप लोग इस इवेंट के अंदर मिलने वाला है। सो अगर आप लोग यहाँ पे स्पिन करो तो आप लोग को स्किल स्किन तो मिलेगा, साथ में वाला बंडल भी मिलने वाला है जो समर स्पेशल डिजाइन किया गया है। तो 9 तारीख को गाइस वाला इवेंट आ जाएगा, अगर आप लोग इसको निकालना चाहते हो तो 1000 डायमंड तैयार रखना। और इस बार के ये स्किल स्किन आप लोग को परमानेंट मिलेगा, कोई भी टेम्पोररी नहीं मिलने वाला है। तो जो लोग भी भाई यहाँ पे आलोक का फैन और इसको निकालना चाहते हो तो तैयार रहना 9 तारीख को। और इसके बाद और भी कुछ आइटम यहाँ पे पेंडिंग पे जिनका इवेंट आने वाला है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग जितने सारे आइटम देख पा रहे हो इन सारे आइटम को लेकर गाइस यहाँ पे इवेंट बहुत जल्दी आ जाएगा। अभी रिंग इवेंट भी हो सकते हैं तो लक वाला इवेंट भी हो सकता है, और इन सारे आइटम को गाइस अलग अलग करके लॉन्च किया जाएगा। और अभी ये सारे आइटम कौन से डेट पे लॉन्च होगा इनके रेडिंग बैनर वगैरह आने तो फिर मैं गाइस आप लोगों को बाकी का डिटेल्स दे दूंगा, लेकिन ये जो आइटम वगैरह देख पा रहे हो इन सभी को लेकर इवेंट बहुत जल्दी आएगा। सो यहाँ पे समर इवेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, अभी बस 4 सितंबर तक ये वाला इवेंट चलेगा और किसी भी दिन आप लोग को इनके रेडिंग पेड या फ्री इवेंट देखने को मिलेगा। और गाइस अगर आप लोग आपके आईडी पे गेम के प्रेस
से थोड़े कम प्राइस में वीकली मंथली परचेस करना चाहते हो तो गाइस आप लोग यहाँ पे एसजी गेम शॉप से परचेस कर सकते हो। ये 100% रियल एंड सेफ एप्लीकेशन है। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका लिंक मिल जाएगा, साथ में प्ले स्टोर से भी डाउनलोड करके आप लोग यहाँ पे परचेस वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ से एक बार जरूर परचेस कर लेना अपना ही गेम शॉप है। और चलिए अभी बढ़ते हुए हमारे अपडेट की तरफ। तो गाइस यहाँ पे 27 जुलाई को इंडिया बांग्लादेश सिंगापुर सर्वर के यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट पे समुराई रिंग नाम के ये वाला वीडियो लॉन्च होता है, मतलब पोस्ट किया जाता है, लेकिन उसके कुछ घंटे के बाद इसको डिलीट कर दिया गया है। और इसी पोस्ट के हिसाब से गाइस यहाँ पे समुराई रिंग इवेंट आने वाला है इंडिया बांग्लादेश सिंगापुर सर्वर के लिए, लेकिन डेट क्या होगा ये है सबसे बड़ा क्वेश्चन। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे सोचा कि 6 से लेकर 10 अगस्त के बीच ये वाला रिंग इवेंट आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट कुछ और ही है भाई। यहाँ पे फ्री फायर वालों से जब बात हुआ तो उन्होंने बताया कि इस इवेंट को पोस्टपोन किया गया है, और उनका पोस्टपोन का मतलब समझ ही सकते हो कि 1 महीना टाइम लगाता है। तो उस हिसाब से भाई ये जो इवेंट है भाई अगस्त महीने की आएगा, लेकिन आएगा 27 तारीख को। तो यहाँ पे परफेक्ट डेट निकल के आ गया गाइस कि आप लोगों को 27 अगस्त को ये वाला रिंग इवेंट देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप लोग स्पिन करके इन सारे आइटम को निकल सकते हो, और ये सब यूनिवर्सल टोकन की जगह पे कोई और टोकन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अभी गाइस आप लोग एक बहुत ही लंबा टाइम तक एक मौका मिला है डायमंड कलेक्ट करने का। अगर आप लोग समुराई बंडल को इतने दिनों से निकालने की कोशिश कर रहे थे तो भाई अभी आप लोग डायमंड वगैरह कलेक्ट कर लो, फिर आप लोग इजीली स्पिन करके इसको निकाल सकते हो। सो अभी गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जॉम्बी समुराई के रिगार्डिंग जो अपडेट जानना था या जो डेट जानना था आप लोगों को पता चल गया है अभी गाइस, और कहीं पे आप लोगों को डेट जानने की कोई जरूरत नहीं होगा। और इसके बाद भाई हमारे एक भाई ने कमेंट किया कि लैम्बोर्गिनी के स्पेशल जो अराइवल एनिमेशन है वो कब तक रिटर्न पे आने वाला है। तो देखो गाइस यहां पे लैम्बोर्गिनी के स्पेशल जो फेरिटुलिया या लैम्बोर्गिनी स्पेशल जो आइटम है गाइस इसे अगस्त महीने को रिटर्न आने की बात है। अभी यहां पे 70% चांस है कि इनके रेडिंग आइटम को रिटर्न किया जाएगा, और यहां पे रिटर्न आइटम हमेशा भाई महीने की लास्ट पे ही आता है, और जब तक यहां पे 15 अगस्त खत्म नहीं होते तब तक भाई कुछ खास इवेंट आप लोगों को इंडिया सर्वर के लिए देखने के लिए नहीं मिलेगा। और इसी के साथ में गाइस आप लोगों को यहां पे लैम्बोर्गिनी के स्पेशल जो बाकी के रिवार्ड्स है गाइस वो भी यहां पे रिटर्न देखने को मिलेगा। अभी इन सारे आइटम को गाइस एक ही इवेंट के अंदर लॉन्च किया जाएगा जो का रिंग टाइप का इवेंट, और ये जो रिंग इवेंट है भाई आप लोगों को 17 या 18 अगस्त के बाद देखने को मिल सकता है, अभी ये पॉसिबल डेट है। तो अभी जस्ट इसके रिगार्डिंग जो कॉन्फर्मेशन बैनर है या इवेंट का बैनर उसको आने दो, फिर गाइस मैं आप लोगों को डेट एंड इवेंट कॉन्सेप्ट सब कुछ मैं आप लोगों को कॉन्फर्म करके बता दूंगा, लेकिन इतना श्योर रहो कि गाइस ये जो आइटम वगैरह ये सब रिटर्न आने वाला है। और गाइस देखते देखते मैंने आप लोगों को बहुत सारे इवेंट्स एंड अपडेट के बारे में बता दिया, अभी चलो बात करते हैं और एक इवेंट के बारे में जो आप लोगों ने बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, और ये अपडेट होने वाले गाइस क्रिमिनल बंडल के स्पेशल। तो यहाँ पे कोई क्रिमिनल बंडल क्या रिटर्न आने वाला है? तो जी हाँ गाइस यहाँ पे कोई एक नहीं तो दो क्रिमिनल बंडल रिटर्न आएगा, लेकिन इस अपडेट में और इस हफ्ते को और इस महीने को नहीं, ये आने वाले दिवाली स्पेशल। और यहाँ पे दिवाली कब आने वाला है ये तो आप लोगों को पता ही है, अक्टूबर महीने को आएगा। सो यहाँ पे क्रिमिनल बंडल के रिगार्डिंग दो बंडल यहाँ पे अक्टूबर महीने को रिटर्न आने वाला है। अभी इवेंट कॉन्सेप्ट क्या होगा तो टाइम आने पर पता चलेगा। वैसे गाइस आज के टाइम क्रिमिनल बंडल पहले की तरह रेयर भी नहीं रहा और कुछ वैल्यू भी नहीं रहा इसका, तो इसको निकालने का कोई फायदा नहीं होता, बट कलेक्शन के हिसाब से ठीक ठाक है। और अभी बढ़ते हुए हमारे आज के वीडियो की लास्ट अपडेट की तरफ। सो भाई लोग यहाँ पे 4 दिन पहले इंडिया बांग्लादेश सिंगापुर सर्वर के लिए ये वाला मिस्ट्री शॉप इवेंट आया था, और सबको यहाँ पे अच्छे खासा डिस्काउंट तो मिला था, लेकिन परचेस करने के लिए यहाँ पे कुछ खास आइटम नहीं था। और ये जो मिस्ट्री शॉप इवेंट है भाई अभी कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, जिसकी रिगार्डिंग एंडिंग सून बैनर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। और ये जो बैनर है भाई इंडिया बांग्लादेश सिंगापुर सर्वर पे 9 तारीख को आप लोग को गेम पे देखने को मिल जाएगा। सो अगर आप लोग को मिस्ट्री शॉप से कुछ अच्छा आइटम परचेस करना या आपको मिला है तो परचेस कर लो, क्योंकि कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। और कुल मिला के गाइस यही था हमारा आज का अपडेट, उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे इन्फॉर्मेशन और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। एंड आज का वीडियो को लंबा ना करके यहीं पे खत्म करते हैं। तो चलिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट अपडेट के साथ।